नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसा एषो पंच नमो कायो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपिया महोमय जय सुयाण बभु तीर्थयराणमचिमो जय जय गुरलोकाण जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहं। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्ववाद की इस 170वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से कर्म बनते हैं और आत्मा कैसे कर्म बांधती है, इस पर चर्चा करी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो वर्गणा होती है वे 8 प्रकार की होती है और प्रत्येक वर्गणा के प्रदेश संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। कर्मण वर्गणा के एक एक जो कर्म है परमाणु है वह क्या है, पूरे लोक में है। लेकिन और कर्मण वर्गणा के परमाणु के आधार से ही कर्म बनते हैं, लेकिन बांधता कौन है, आत्मा ही कर्म को बांधती है, इस कारण से ही वे कर्म बनते हैं। अगर आत्मा ही कर्म को ना बांधे तो वह कर्मण वर्गणा के आधार से कर्म बनेगी ही नहीं। इस चीज हमने देखी थी, कर्ता होते हुए भी चेतन आत्मा ही संसार में प्रतिक्रिया करने के लिए वर्गना को ग्रहण करती है। किस लिए ग्रहण कर रही, आत्मा अगर वर्गना को ग्रहण नहीं करे तो वह तो मुक्ति है और गुणानुसार क्रिया ही करेगा, परंतु उसे संसार में परिभ्रमण करना है, संसार में रहना, तो उसे वर्गना को ग्रहण करना ही पड़ेगा। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में विशेष रूप से जानी थी। आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। अग्निभूति जो कि इंद्रभूति गौतम के दूसरे भाई हैं और इनकी शंका है कर्म नहीं है। इधर भगवान महावीर के साथ चर्चा विचारना चल रही है, कर्म है और जगत की संपूर्ण व्यवस्था कर्मादि, समस्त संसार के अंदर अनंत अनंत जीव और अनंत अनंत ही कर्मण वर्गणा के पुद्गल परमात्मा। अब इन दोनों का सम्मिश्रण कैसे होता है और कैसे कर्म बनता है? कर्मण वर्गणा ही कर्म नहीं है, कर्मण वर्गणा अपने आप में स्वयं कर्म नहीं है। कर्म बनने का रॉ मटेरियल जो है वो है कर्मण वर्गणा। कर्ता तो जीवात्मा ही है, आत्मा को ही करना है, क्रिया आत्मा ही करेगी। अब क्रिया करें तो सामने अगर कोई रॉ मटेरियल नहीं हो तो कैसे चलेगा, और अकेला रॉ मटेरियल पड़ा रहे और करने वाला क्रिया करने वाला कोई करता ना हो तो भी कैसे होगा, तो कर्म नहीं बनेगा। जैसे कि लोकांत भाग के सिद्ध शिला पर, वहां पर अनंत आत्माएं हैं फिर भी वहां कोई कर्म नहीं बांध रहा है, ये लोकांत आ गया और इस लोकांत के ऊपर यहाँ जो है अनंत सिद्ध है,
अब ये सिद्ध शिला के ऊपर लोकांत भाग है और जहाँ पर अनंत सिद्ध है। अब इन अनंत सिद्धों के वहां पर भी सब जगह पर ये कार्बन वर्गना तो भरी पड़ी है, लेकिन अब वहां अनंत ही सिद्ध आत्मा अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु होते हुए भी कभी कर्म बांधते ही नहीं सब। तो ये जो स्थिति है आपको बराबर समझ लेना है, दोनों है, कर्ता खुद है और रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत है, फिर भी कर्म बन नहीं रहे, फिर भी कर्म हो नहीं रहे साहब। अब यहाँ लोकांत भाग है और इस लोकांत भाग में अनंत सिद्ध आत्मा है और अनंत ही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु तैयार है, कर्ता भी है, रॉ मटेरियल भी तैयार है, फिर क्यों नहीं कर्म बन रहा है? अब कर्म क्यों नहीं बन रहा है? तो यहाँ पर जो है, यहाँ की बात तो मैंने ये की, अब वही बात यहाँ से नीचे के लोग की, यहाँ पर और यहाँ पर फर्क क्या है? महाराज साहब वहाँ पर उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा में अब राग द्वेष नहीं है, कर्म कर्म के बीज नहीं है, शुद्ध रूप में है। तो यहाँ पर और यहाँ पर फर्क क्या है? मैंने ये कहा है, आप तीनों बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे समझे। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या अनिवार्य है, तो ये आप एक बार समझ जाएंगे कि जिस तरह से हाँ जी, अब आप ध्यान दीजिए, कर्म अगर बनना है तो यहाँ पर सबसे पहले कर्ता अनिवार्य है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु का होना अनिवार्य है, यहाँ पर जो है कोई भी कारण होना जरूरी है। अब ये पहले आप समझ लो, पहली हम बात कर रहे हैं तीन की, अभी और आगे बात करेंगे। तो पहली बात है, कर्ता के बिना तो कर्म बनेगा, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु होते हुए भी अपने आप वो कर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, और कार्बन वर्गना ना हो तो कर्ता अकेला हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है, कर्म नहीं बन सकते हैं। लेकिन महावीर ये कह रहे हैं कि 14 राजलोक के अंदर सर्वत्र कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इतने अनंत भरे पड़े हैं कि आप कहीं पर एक सुई का अग्र भाग स्पर्श करो उतनी जगह भी कार्बन वर्गना के बिना की खाली नहीं है। चलिए बोरा जी आप बोलिए। नरेंद्र जी, समस्त 14 राजलोक में एक सुई की लोक की जितनी भी जगह कार्बन वर्गना के परमाणुओं से खाली है ही नहीं। हाँ, अब आ गई बात दूसरी, इन दो की बात हमने की। नंबर तीन, दोनों के होने के बावजूद भी कर्ता भी है और रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु होते हुए भी यदि कोई कारण ही नहीं है तो भी कर्म नहीं बनेगा। पहले ये बात भी समझ लो। अब आप ये देखिए, इन दोनों के साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आप। ये जो है 14 राजलोक का, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब यहां पर आपको ये देखना है कि ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु सर्वत्र है और ये साथ में ही पहली बात ये है कि इतने अनंत है ये कार्बन वर्गना के परमाणु इतने अनंत है कि पूरे लोक के अंदर जस्ट टिप ऑफ द नीडल, एक सुई का अग्र भाग भी लोकाकाश में स्पर्श करो इतनी जगह भी खाली नहीं है कि जहां कार्बन वर्गना ना हो।
आपको बनाना नहीं है, ईश्वर को बनाना ही है, किसी को नहीं बनाना है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये निरंतरता है इनके अंदर। बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बिखरते जाएंगे, बनते जाएंगे, बिखरते जाएंगे। कैसे बनेंगे? समान गुण धर्म वाले पुद्गल परमाणु इकट्ठे होंगे तब एक वर्गणा बनेगी। मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि जितने अनंत 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 कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु हैं, और ये स्वतंत्र परमाणु भी है ना, लेकिन ये वर्गणा नहीं है। जब इनको वर्गणा के रूप में बनना होगा तब समान गुण धर्म वाले इकट्ठे होंगे तब बन जाएंगे। अब समान गुण धर्म का मतलब क्या हुआ? आप सभी जैन हो, और अगर आपके बीच में कोई मांसाहारी मुसलमान आकर के बैठे तो आपको अजीब लग जाएगा सब। उनकी बदबू आएगी, उनके श्वास में से बदबू आएगी, उनकी दुर्गंध से आप अपना नाक सिकोड़ करके हट जाओगे। वो व्यक्ति मांसाहारी आपके बीच में समान गुण धर्म वाला नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप वहां से जो है बिल्कुल जल्दी से हटने की कोशिश करोगे। परमाणुओं के अंदर समान गुण धर्मता किसकी है? परमाणु सभी परमाणु है, और परमाणु होने के नाते वर्ण गंध रस स्पर्श जो सबका है वो है, सबने है। लेकिन उन वर्ण गंध रस स्पर्श में कहां क्या फर्क होता है? 19-20 का थोड़ा सा हल्का सा भी फर्क हो गया, वर्गणा बदल गई। कभी औदारिक वर्गणा, कभी वैक्रिय वर्गणा, कभी श्वासोश्वास वर्गणा, कभी भाषा वर्गणा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है साहब, ये कैसे चेंजेस आता है, और आत्मा ग्रहण करने में इनको कैसे ग्रहण कर सकती है, और आत्मा के पास अपनी पर्याप्ति नाम कर्म की प्रकृतियां कैसी है, और वो कैसे ग्रहण करके कर्म बांधती है और सभी बनाती है। आठों प्रकार की वर्गणाओं से आठों प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। अब क्या है कि सबके सामने रखने जाऊं तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन परमाणु पुद्गल का नेचर भी तो समझ में आना चाहिए ना। पहले भगवती सूत्र आगम शास्त्र के अंदर पुद्गल का जो स्वरूप वर्णन किया है, और फिर उनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया की जो बात दर्शाई है। कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, कोई ईश्वर नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। परमाणुओं के गुणधर्म बदलने पर अपने आप वहां पर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती है, संयोग वियोग की प्रक्रिया होती है। उसके कारण औदारिक का परमाणु बिखर करके दूसरे में आ जाए, दूसरे का परमाणु बिखर करके तीसरे में चला जाए। जब उसकी अंतिम कक्षा की सूक्ष्मता आएगी, स्निग्धता का स्पर्श बढ़ेगा, तब जाकर के वो कार्बन वर्गणा के ग्रुप में आएगा। बोलिए मेहता जी, बोलिए आप। आपने साहब जी बताया कि जब वर्गणा में सभी एक दबो वाली वर्गणा जमा होगी, एक साथ में आएगी, उसमें जब स्पर्श का गुणधर्म बढ़ेगा तभी जाके तेली जो एक्चुअली ऑयली वाला जो रहता है वो, तभी जाके वो कामण वगैरह बनेगी। एकदम ज्यादा ज्यादा स्निग्धता होगी तब कामण वगैरह बनेगी वो। चलिए पहले ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ पुद्गल द्रव्य। ये जो आपको एक पुद्गल द्रव्य दिख रहा है, ये एक पूरा साधन है, अपने आप में एक पूरा स्कंद है। अब इसके टुकड़े नहीं है, खंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक अखंड पूरा जो है ये स्कंद है। अब इस स्कंद का छोटा भाग जो है ये उसका भाग देश है। यहाँ पर देश शब्द इट इज नॉट ओनली फॉर कंट्री बट इट इज द पार्ट ऑफ द होल मॉलिक्यूल। सो दिस इज द होल मॉलिक्यूल एंड दिस इज द पार्ट ऑफ, but that part which is undivided by the whole molecule। आप कोशिश करना समझ, सभी समझने की कोशिश करना सर। अब इसी का जो है एक लास्ट पोर्शन जो है ये आप देखेंगे, ये है प्रदेश। अब ये जो इसका प्रदेश है,
But that Pradesh is also undivided by the whole molecule. Desh is also undivided. Pradesh is also undivided. Why we are using the two words, the noun here as a Desh and Pradesh? The Pradesh, it is also the smallest part from the Desh. That's why it is the Pradesh. Otherwise, there is no meaning of this use of these nouns. So this one is the whole structure, just like this is the raster. So this is the one piece, single piece as a whole molecule. Skanda sanya di hai Mahavir ne. Ek purna akhanda skanda. Ab iska ek portion aap itna sa le lo, ye desh ho gaya. The last, subtlest part of the whole molecule, that is, which is undividable, that is called the pradesha. Boliye, Niti Ben, bolo aap pehle. The smallest part of the molecule, which is still a part of, which is not divided from right. The whole molecule, is the pradesh. Undividable, undivided hai, ab wo yahan par pradesh hai. And the part of the whole molecule, that is called desh, but the smallest part of the whole molecule, which is undivided, that is called the pradesh. अब ये बात पूरी हो गई, आगे समझना ध्यान से. Now this type of pradesh, if it is divided from the molecule, then it becomes as a atom. Now this pradesh, which is already the smallest part of this whole molecule, now if it is divided from the molecule, that is called atom. If it is undividable, then it is pradesh. If it is divided by the whole molecule, then it is atom. Phir se boliye, Niti Ben, make it clear, two sentences. So, the smallest part of the molecule is the pradesh, and when the smallest part of... If it is undividable, then it is pradesh. Yeah, that is, yeah. So, the smallest part, which is not further dividable, is called pradesh, but when pradesh gets separated from the whole molecule, this smallest part of the molecule, when it gets separated from the whole molecule, this is called parmanu. Ab aise parmanu jo hai, wo swatantra to hai hi hai. Ab wo parmanu pure chaudhraj lok mein hai. And all the atoms are as atoms. अब एटम्स हो गया, अब उसकी गुणधर्म की बात करते हैं. बुद्गलास्ति काय, अपने आप में अजीव बुद्गल जड़ द्रव्य है, इसके ये चार भाग हैं. इधर देखिए आप, अब आत्मा के प्रदेश अलग नहीं होते हैं. धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाश के प्रदेश अलग नहीं होते हैं, इसलिए आत्मा आकाश धर्मास्तिकाय के परमाणु नहीं होते हैं. पुद्गल के ही प्रदेश विभाजित होकर अलग होते हैं, इसीलिए पुद्गल के ही परमाणु होते हैं, अन्य किसी के नहीं. बट द साइज ऑफ द प्रदेश इज कॉमन इन ऑल. क्या समझ में आ रहा है कुछ? जैसा बोलिए, ध्यान दीजिए. महाराज साहब, आपने कहा पुद्गल के प्रदेश विभाजित होते हैं और बाकी धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय के प्रदेश विभाजित नहीं होते. सबसे पहले तो ये बोला, और वो विभाजित होके जो परमाणु बनते हैं, जो इंडिपेंडेंट अलग हो गए, वो जो है परमाणु, उनको कहते हैं जो प्रदेशों से अलग हो गए और इंडिपेंडेंट है. हाँ जी, बराबर है. अब ऐसे ये जो परमाणु बन गए साहब, अब ये परमाणु जो जिस प्रकार के जैसे हैं, अब ये जो एटम है, अब मैं एटम की बात कर रहा हूं, तो दिस इज द सिंगल एटम. आइदर यू कैन से द नाउन एज ए सिंगल एटम, और यू कैन से द डिफरेंट नाउन डिवाइडेड प्रदेश. दोनों बात एक ही है. अब इसमें भी अगर आप ये देखेंगे कि क्या क्या है इसकी गुणधर्म के अंदर,
कंपलसरी वर्ण है, कंपलसरी गंध है, कंपलसरी इसके अंदर रस है और कंपलसरी इसके अंदर स्पर्श है। अब ये पुद्गल के मूलभूत गुण हैं। अभी तक हमने द्रव्य की बात की थी, अब स्पेशली हम गुण की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई भी द्रव्य बिना गुण का होता ही नहीं है, कोई भी गुण बिना द्रव्य के रहता ही नहीं है। एनी सब्सटेंस विच नेवर स्टैंड्स विदाउट इट्स ओन वर्चुज, एनी वर्चुज नेवर स्टैंड्स विदाउट द सब्सटेंस, बोथ द साइड। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखना है, द्रव्य तो पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय हो गई परमाणु। अभी ये परमाणु रूप के पर्याय में है, लेकिन अब गुण क्या है? चाहे पुद्गल के गुण बोलो चाहे परमाणु के बोलो, एक ही है। अब इसके अंदर कंपलसरी जो है वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। अब ये जो जितने ये चारों इसके गुण हैं, जैसे आत्मा ज्ञान दर्शन आदि गुण वाली है, वैसे ही पुद्गल जो है वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाला है। बात पूरी हो गई? तो बिना गुण धर्म के तो रहेगा ही नहीं द्रव्य। आत्मा कभी बिना ज्ञान दर्शन के नहीं रहती। पांचों द्रव्य अस्थि कायात्मक सबके अपने अपने स्पेशल गुण हैं, सब अपने अपने गुण वाले रहेंगे, समझे? बरोबर रहेंगे। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये जो वर्ण गंध रस स्पर्श है इनकी संख्या कितनी है? अब इनकी संख्या का प्रमाण देखेंगे और इससे हम समझेंगे पुद्गल के अंदर पांच वर्ण है, दो गंध है, पांच रस है, आठ स्पर्श है। अरे ये बात ख्याल में बोलिए साहब, विभा बेन बोले कि यहाँ पर देख करके पढ़िए। पुद्गल परमाणु के पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और आठ स्पर्श है, गुणधर्म है। अब ये सबके अंदर है, अब कौन सा प्रकट है कौन सा छुपा हुआ है? जस्ट लाइक इंद्रधनुष होता है तो सात कलर क्यों दिखाई देते हैं, और इंद्रधनुष नहीं होता है तो सभी कलर नहीं रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं? तो वहां पर इन परमाणुओं का एक ऐसी तरह से एक पर्याय बनती है, अरेंज बनता है कि जिस समय इसके ये गुण प्रकट होते हैं पर्टिकुलर एंगल पर ही वहां पर रेज जो आएगी, उसके साथ पानी के परमाणु, उसके साथ जो है वायु के परमाणु प्रकाश की किरणों के, और उस एंगल से होंगे तब जाकर इंद्रधनुष की रचना होती है, तब आपको कलर दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन है तो सही ना, है तो दिख रहे, नहीं तो नहीं दिखते। अभी क्या बोलना है आपको, आत्मा से पुद्गल के गुणधर्म सर्वथा विपरीत विरुद्ध है, और पुद्गल से आत्मा के गुणधर्म सर्वथा विरुद्ध है। आशा बहन बोलिए आप शब्द। आत्मा से पुद्गल के गुण विपरीत है, सर्वथा विपरीत है, और पुद्गल से आत्मा के गुण सर्वथा विपरीत है। बरोबर है। अब ये समझना है आपको, तो जो पुद्गल के गुणधर्म है वो आत्मा में या आकाश में या धर्मास्थिकाय में किसी में कभी होते ही नहीं, आते ही नहीं। जिस द्रव्य के जो गुण होते हैं उसी में रहते हैं, स्वद्रव्य को छोड़ करके गुण दूसरे पर द्रव्य में कभी जाते ही नहीं है। माता जी बोलिए, शुरू करिए आप बोलना। ये परमानेंट प्रिंसिपल है ना, हमेशा के लिए परमानेंट नियम बने हुए हैं। तो द्रव्य को छोड़कर गुण दूसरे द्रव्य में जाते ही नहीं है। अब स्वद्रव्य कौन हुआ? यहाँ हम कर रहे हैं स्वद्रव्य हुआ पुद्गल, वहां हम देख रहे थे स्वद्रव्य आत्मा। अब ये पुद्गल के द्रव्य, पुद्गल के गुण धर्म कोई आत्मा में कभी आएंगे ही नहीं, अनंत 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 काल में भी कभी नहीं आएंगे।
आत्मा के गुण आत्मा में ही रहेंगे, पुद्गल के गुण पुद्गल में ही रहेंगे, सभी द्रव्यों के अपने अपने गुण स्वयं अपने में ही रहेंगे, वो कभी दूसरे में जा ही नहीं सकते हैं, संभव नहीं है, बात पूरी हो गई। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्ण गंध रस स्पर्श सिर्फ पुद्गल के हैं और परमाणु के। अब क्या हुआ, ये एक परमाणु, ये हमने जनरल बात की थी, तो ये जनरल बात की थी तब आपको यहाँ पर ये समझना था कि यहाँ पर ये कौन द्रव्य है, पुद्गल है, इसलिए पुद्गल के सभी वर्ण सभी गंध सभी रस सभी स्पर्श ये है। अब ये सब मिला करके हो गए कितने, 20 हो गए, अब बरोबर रहेंगे पुद्गल में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, पुद्गल के पर्याय स्वरूप में सिर्फ हम एक परमाणु की बात करें। अब ये एक परमाणु है, तो एक परमाणु में एट ए टाइम एक वर्ण एक गंध एक रस दो स्पर्श रहेंगे। एक परमाणु में एट ए टाइम एक वर्ण एक गंध एक रस दो स्पर्श रहेंगे। बोलिए नरेंद्र जी, ख्याल आ गया आपको? परमाणु में एक वर्ण एक गंध एक रस और दो स्पर्श रहेंगे, बरोबर है, उद्गल में और परमाणु में। अब दो में फर्क समझ में आ गया आपको, दोनों के अंदर का हिसाब बरोबर करेंगे आप समझ जाएंगे। हाँ जी, तो ये हमको समझना है जब वो पुद्गल स्वरूप में है तब की स्थिति क्या है, और जब वो परमाणु पर्याय में है तब की स्थिति क्या है, ये आपको देखना है। आ गया ख्याल में? अब जब ये परमाणु स्वरूप में है तब क्या स्थिति है, अब एक एक की बात है। यहाँ पर ये पांच है, इसमें से एक है, इसमें से एक है, ये पांच है, इसमें से एक है, ये इसमें से दो क्यों है, स्पर्श दो क्यों है, स्पर्श पेयर में रहते हैं, दो दो की जोड़ी में बने रहते हैं, इसलिए एक जोड़ी आएगी सब। अब चेंजेस होते रहेंगे, बदलते रहेंगे सब, किस कंध के परमाणु बने हुए हैं, किस कंध से परमाणु बने हुए हैं, उस समय उसमें व्यक्त वहां पर वर्ण गंध रस स्पर्श क्या था, वो इसमें आ जाएगा, समझे कि नहीं। बदलते रहेंगे, परिवर्तनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी है, प्रवाही पदार्थ है, पानी के अंदर पानी का क्या हुआ, अपना कलर, अब आपने दूसरी कोई वस्तु मिक्स कर दी उसका कलर आ गया, आपने दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, चौथा डाल दिया, बदल दिया बदल दिया, सबके वर्ण गंध रस स्पर्श उसमें आते जाएंगे, बदलते जाइए फिर दूसरा आएगा। एक बार आपने शक्कर डाली वही पानी मीठा हुआ, दूसरी बार आपने नमक डाला वही पानी खारा हुआ, तीसरी बार आपने नींबू का जूस डाल दिया वही पानी खट्टा हो गया। वर्ण गंध रस स्पर्श है, अब कब किसकी प्राधान्यता कैसे रहेगी, बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे, ये जिस तरह से बदलते रहेंगे ऐसी स्थिति के अंदर अब जब इनकी वर्गणा बनेगी। पहली बात ध्यान दीजिए, अब ये सब परमाणु अपने आप में जो जिस तरह से जैसे भी परमाणु है, अभी कोई वर्गणा नहीं है, अभी कोई वर्गणा नहीं है, इसमें से अपने आप में खुले परमाणु है। अब इनके अंदर जब यहाँ पर कौन से परमाणु के अंदर एक जो है स्निग्ध स्पर्श, ये जोड़ी में पैर में रहता है, ये पर्टिकुलर ये जब आकर के इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा, इन परमाणुओं के अंदर सब के अंदर ये जो है अब ये सबका एक ग्रुप बन गया, इनके अंदर ये स्निग्ध स्पर्श और रुक्ष स्पर्श, जैसे ये तो एक एक्टिव रहेगा दूसरा नॉन एक्टिव, द कॉइन्स जस्ट लाइक द वन कॉइन हैव द टू साइड्स, आप इधर देख रहे हो कि इधर देख रहे हो,
पॉइंट्स तो दोनों साइड रहेगी, तो ये दोनों स्पर्श तो साथ में रहेंगे। अब ये परमाणु सब अपने आप में इकट्ठे हो रहे हैं, ये परमाणु इस प्रकार के, अब वर्ण तो है, अब इनके अंदर गंध भी है और रस भी है, एक रस है, एक गंध है, एक वर्ण है, ऐसे परमाणु अब इकट्ठे होकर के एक ग्रुप बन रहा है। ख्याल आया? ये जो ग्रुप बन रहा है इसका नाम हो गया कार्मण वर्गणा। ये कार्मण वर्गणा, ये जो ग्रुप बन गया, आप इसी को नाम दीजिए अपनी तरह से, ये है, दिस इज कार्मिक ग्रुप ऑफ एटम्स, नॉट कर्म। ध्यान रखना, अभी कर्म नहीं बोलेंगे आप, ये कार्मिक ग्रुप ऑफ एटम्स है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स बनते बिगड़ते रहते हैं। क्यों बनते बिगड़ते रहते हैं? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण। उनमें से ये एक ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप तो बन गया, कितने परमाणु इसके अंदर इकट्ठे हो गए? अनंत हो गए। ये अनंत की संख्या में इन ग्रह, इस ग्रुप वाले, ये क्या इसकी कैटेगरी है सर? वर्ण गंध रस स्पर्श की, तो ये ग्रुप है, इसलिए ये बन गया, ये कार्मिक एटम बन गए, समझे? अब इसी रूप में रहेंगे, समझे? अगर ये स्पर्श बदल गया, थोड़ा सा भी बदल गया, अभी मैं आपको ये कहता हूं, हाँ जी, मैंने यहाँ पर तीन चार अलग अलग लिखे हैं, बताइए इसमें से नीति बहन बोलिए, विच वन इज द करेक्ट एंड विच वन इज द रॉन्ग? मेहता जी बोलिए। साहब जी, H2O is equal to water है, जो वो करेक्ट है। अगर उसमें से हाइड्रोजन के एक भी एटम कम हो गया तो H1O1 है, वो वाटर नहीं आएगा, या ऑक्सीजन के दो एटम या हाइड्रोजन के एक एटम आएगा तो भी वो वाटर नहीं आएगा। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन के भी दो एटम हो गए या ऑक्सीजन के भी दो एटम हो गए तो भी वाटर नहीं आएगा। बराबर है, द्रव्य द्रव्य वही है, संख्या प्रमाण में बदल गई, वही घटक है, सेम इंग्रेडिएंट होते हुए भी संख्या कम ज्यादा हल्की सी भी हो जाने से एटम्स के ग्रुप में पूरा परिवर्तन आ गया। अब इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, इतना बड़ा परिवर्तन के वो चीज वो बन ही नहीं सकती, वो रह ही नहीं सकती। अब मूल घटक द्रव्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अब दोनों गैस को आप मिला रहे हैं, अब दोनों गैस को मिलाने से सामने प्रवाही लिक्विड फॉर्म में पानी बनना तो चाहिए कि नहीं? आपने एक एटम का, एक एटम की संख्या को अगर गणित बिगाड़ दिया तो नहीं बनेगी। ऐसे ही सैकड़ों फॉर्मूला केमिस्ट्री में बने हुए बैठे हैं, बरोबर है? सेम लाइक दैट यहां पर भी स्निग्ध रस का प्रमाण कितना बढ़ता है, अब वर्ण गंध और रस गौण हो गया है। कौन सा वर्गणा वर्ण है? कार्मण वर्गणा का वर्ण कलर कौन सा है? अब ये तो केवल ही बताएंगे, अब परमाणु तो हमारे लिए तो चक्षु से तो दृष्टि ग्राह्य नहीं है, लेकिन हमारे से ग्राह्य नहीं इसका मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। कलर तो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, वो कहां नष्ट हो जाएगी? रहेगा ही रहेगा, एक रंग कोई भी रहेगा, एक रस कोई भी रहेगा, एक गंध कोई भी रहेगी, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, पदार्थ के गुणधर्म में अवश्य है। लेकिन अब स्निग्धता, स्निग्धता का मतलब चिकनाहट हिंदी भाषा में, उस चिकनाहट के परसेंटेज जब बढ़ेंगे तब इन सब परमाणुओं का एक ग्रुप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये जो है ये मार्बल का पीस है, अब मार्बल का पीस मतलब वाइट मार्बल है कि ब्लैक मार्बल है कि ग्रीन मार्बल है कि रेड मार्बल है, ये वाइट मार्बल है तो इसका एक ग्रुप बना तो ये वाइट मार्बल का पीस बन गया।
रेड मालर की माइंस अलग है, वहाँ उसकी पृथ्वी काय की योनि है, वहाँ उसका ग्रुप आएगा तो वहाँ सभी रेड कलर वाले ही जीव इकट्ठे होंगे, तब वो रेड मार्बल बनेगा। इधर ग्रीन वाले में सब आके इकट्ठे होंगे तब ग्रीन, तो वो क्या है, पृथ्वी काय के उन जीवों का सब का एक कलर होगा, वो एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे। उनकी योनि अलग है इसलिए उनकी खान भी अलग है। बहुत बड़ा साइंस है, ध्यान रखिए, समझने की कोशिश करना। अभी ये बात हो रही मेहता जी ध्यान, ये कार्बन वर्गणा बन रही है। अब मैं आपको औदारिक वर्गणा कैसे बनती है, श्वासोश्वास वर्गणा कैसे बनती है, वैक्रिय वर्गणा कैसे बनती है, बहुत बड़ा विज्ञान है। अब भाई साहब केवल ही भगवंतों का दिया हुआ ये अद्भुत विज्ञान है, क्या कम ज़्यादा हो रहा है। अगर इसमें एक एक एटम कम ज़्यादा हो रहा है तो फॉर्मूला पूरा चेंज हो रहा है, तो आठों प्रकार की वर्गणाओं के बनने में तो कितना बड़ा बदल जाएगा, कितना बड़ा, बहुत कुछ बदल जाएगा। अब ये मैंने आपको क्या कहा कि इसके अंदर सबसे बड़ी प्राधान्यता किसकी आ रही है, स्निग्ध रस की। ये सबसे बड़ी प्राधान्यता किसकी आई है, स्निग्ध रस की, ये स्पर्श। अब जैसे आप देखिए सरसों का है, मूंगफली का है, इसी तरह से ये अब तिल का देख रहे हो, अरंडी का देख रहे हो, ये सब क्या है, ये वनस्पति काय के हैं। अब मूंगफली आप देखते हो तो कहाँ आपको ऑयल दिख रहा है, बादाम देख रहे हो कहाँ आपको ऑयल दिख रहा है, लेकिन अब उन्होंने जो अपना शरीर बनाया है तो औदारिक शरीर है, लेकिन मूंगफली के अंदर एक हल्का नाखून टच करिए बरोबर तेल दिखेगा, बादाम के अंदर आप हल्का नाखून टच करिए बरोबर तेल दिखेगा, सरसों के अंदर बरोबर तेल दिखेगा, तिल के अंदर बराबर तेल दिखेगा, सनफ्लावर में आप देखोगे बरोबर तेल आएगा, अरंडी का बीज है, अब यूं अरंडी का बीज खोलो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर बरोबर तेल है। अच्छा, अब जो तेल है उनके सबके गुणधर्म अलग अलग है। अरंडी का तेल जो है वो लूज मोशन करने वाला है, वातनाशक गुण है, बादाम के अंदर विटामिन ए के परसेंटेज ज़्यादा है, सरसों के तेल में अलग है, तिल के तेल में अलग है, लेकिन सबका तेल, तेल मतलब स्निग्धता आई। अब वो एकेंद्रीय का प्रत्येक वनस्पति काय का जीव, उसने उसे जब ग्रहण किया है तब उसके अंदर वो क्वालिटी आई। स्निग्ध स्पर्श प्रधान रूप में है, मुख्य रूप में, इसलिए वो ऑयल बनाए। अब उसके साथ में वर्ण कौन सा है, गंध कौन सा है, रस कौन सा है, स्पर्श कौन सा है, तिल या तो पीला भी है या काला भी है, सरसों सभी ब्राउन कलर की है, मूंगफली वाइट कलर की है, ऊपर का छिलका अलग कलर का है, बादाम का अंदर जो है वाइट पोर्शन है, ऊपर का छिलका वाइट ब्राउन पोर्शन में है, काजू का अलग वाइट है, ऊपर का छिलका अलग है, छिलके में तेल नहीं निकलेगा, अंदर के काजू में तेल निकलेगा, अखरोट में आप वॉलनट में देख लो ऊपर का कठोर है, बहुत कठोर है, उस छिलके में तेल का अंश भी नहीं है, अंदर जो है वो उसका तेल अलग है। अब उसमें जो तेल है उसके अंदर क्या परसेंटेज विटामिन कौन सा है, अब विटामिन ए के परसेंट अलग किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, इतनी वैरायटीज है, इतनी चीजें हैं। अब ये वनस्पति है, आप ये समझ गए, हमको तो कुछ मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, खाना है, ये बना कैसे भाई साहब, कैसे बन गया, क्यों गेहूं में क्यों तेल नहीं है, क्यों चने में तेल नहीं है, क्यों जवारी बाजरी में तेल क्यों नहीं है, क्यों मूंग में तेल नहीं है, क्यों, तो ये हम देख रहे हैं, तो ये भी तो पृथ्वी का है, ये भी पृथ्वी का है, अरे सॉरी वनस्पति का है, प्रत्येक वनस्पति का है दोनों, इनके अंदर कैसे आया, इनके अंदर क्यों नहीं आया। तो आप ये समझिए कि इनका सबका अपना अपना गुणधर्म जो है, और जिस अपने अपने गुणधर्म के हिसाब से जैसे उनकी रचना जो की है, कौन कर रहा है रचना,
सिर्फ वो जीव स्वयं ही उसकी रचना कर रहा है। उस प्रत्येक वनस्पति काय का जीव स्वयं ही अपनी रचना उस प्रकार की कर रहा है। चलो ध्यान देना, अब ये तो हो गई उनके शरीर की औदारिक परगना के पुद्गल परमाणु की बात। अब आप ध्यान से समझिए, मुंह के अंदर जो जीव है उसका कर्म कौन सा है? चने में जो जीव है उसके कर्म कौन से हैं? अरंडी के तेल में अरंडी का बीज जो है उसके अंदर उस जीव के कर्म कौन से हैं? अब सबके अपने अपने, ध्यान रखिए, सभी जीव हैं, सबका अपना शरीर है, सबकी जीवों का सबका अपना शरीर है, सबके वर्ण गंध रस स्पर्श अलग अलग है। अब आप वर्ण देखने जाओ, गंध देखने जाओ, रस देखने जाओ, स्पर्श देखने जाओ, ये नियम चारों गुण धर्म जो पुद्गल के हैं वो बरोबर देखो। तिल के तेल का वर्ण अलग है, सरसों के तेल का कलर अलग है, मूंगफली के तेल का कलर अलग है, सनफ्लावर के तेल का कलर अलग है, सबके अपने अपने कलर है, अपना अपना गंध है, अपना अपना रस है, अपना अपना गुणधर्म है, अपना अपना स्पर्श है, ध्यान रखिए। और उसी गुणधर्मों का तो हम उपयोग कर रहे हैं, गुणधर्मों के हिसाब से हम उपयोग कर रहे हैं, तभी आपके रोग आदि के लिए काम का है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात क्या है कि हमने कभी जैनिज्म के अंदर का ये साइंस कभी हमने सीखा नहीं है, समझा नहीं है, हमने कभी सोचा नहीं कि इतना बड़ा विज्ञान है, और दुनिया के किसी धर्म ने इसको विज्ञान के रूप में स्वीकारा नहीं है, क्योंकि वो इनको जीव के रूप में नहीं स्वीकार। दिखाई दे रहा है वो आपका मुंह जो है वो उसका शरीर है, अब उसमें जो जीव है उसके अपने कर्म है, वो बना रहा है, तब मुंह का कलर अलग बना है। रेड थोड़ी सी पड़ी है मुझे। माता जी पहले, माता जी म्यूट कर लो, बाद में बात करो। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, मैं बात किसके कर रहा हूँ, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु की। कार्बन वर्गना बनी कैसे? अभी उसके वर्ण गंध और रस का हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन स्निग्ध स्पर्श की मात्रा परसेंटेज में ज्यादा है, उसका ग्रुप बना, ये है कार्बन वर्गना। इसी को आत्मा ग्रहण करेगी तो ही कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसके कारण बनेगा, और दूसरी भी वर्गनाएं बहुत है, और दूसरे एटम्स भी बहुत जात के हैं। आत्मा किसी भी एटम को ग्रहण करके कर्म नहीं बना सकती है। श्वासोश्वास वर्गना को लिया, तुरंत आपको छोड़ देना है, आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकेगी नहीं। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लिया, उसमें कलर वगैरह की प्राधान्यता ज्यादा है, आत्मा को बंध नहीं होगी, आत्मा प्रदेशों के साथ नहीं चिपकेगी। वो औदारिक वर्गना के पुद्गल में वर्ण की प्राधान्यता ज्यादा है, हम गेहूं ज्यादा खाएंगे तो हमारा स्किन कलर ऐसा बनेगा, शरीर बन रहा है, औदारिक वर्गना से शरीर बन रहा है, तो शरीर बन रहा है तो शरीर के साथ आपके कर्म आएंगे तो वैसा शरीर बनेगा। ये क्या बन रहा है यहां से? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ कर्म ही बनता है। अब चाहे कोई भी मानते, अनंत अनंत जीव संसार में है, सबको कर्म बांधना अनिवार्य है, इसलिए सबको कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ग्रहण करना अनिवार्य है। सभी जीव प्रतिक्षण, आपकी भाषा में प्रतिक्षण शब्द समझ में आएगा, महावीर स्वामी की भाषा में प्रति समय कार्बन वर्गना ग्रहण करते हैं, कर्म बांधते हैं। नंबर तीन, प्रत्येक जीव कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत की संख्या में ही ग्रहण करेंगे तो ही कर्म बंधेगा, नहीं तो नहीं बंधेगा।
आपने आपके घर में रोटी बनाते समय जो आटा लिया उसमें अगर नमक का एक कण ही डाला है तो रोटी के अंदर वो आपको रस खाराश का नहीं आएगा। एक किलो आटा लिया है तो आपको कितने प्रमाण में नमक डालना है वो सभी महिलाओं का अपना अपना गणित है। हर घर के अंदर कम ज़्यादा है, कोई रेशियो कोई परमानेंट फिक्स तो है नहीं कि भी आपको एक किलो आटा में 10 ग्राम डालना है 5 ग्राम डालना है, कोई कंप्यूटर से माप करके कोई नहीं डाल रहे। सब घरों में अपना अपना अलग अलग प्रमाण है, कम ज़्यादा डालते हैं। अब न डालो तो बहुत अच्छी बात है, शरीर को आवश्यकता नहीं है, आपके जीभ के स्वाद के लिए आवश्यकता है, क्योंकि रस जो है रसनेन्द्रिय का विषय है। लेकिन जब आपको रोटी ऑलरेडी सब्जी के साथ ही खानी है तो आटे में मत डालो नमक, आवश्यकता ही नहीं है, शरीर को अनावश्यक रूप से इतना नमक ज़्यादा जा रहा है। चावल आपको दाल के साथ ही खाने हैं तो चावल में नमक मत डालो आप, क्यों नहीं ऐसा हम ध्यान दे रहे हैं? प्रमाण बढ़ रहा है ना, शरीर के अंदर लेवल जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है ध्यान। अभी आज के विषय में इस क्लास में क्या हुआ, द रॉ मटेरियल ऑफ द कर्म, कर्म बनने लायक रॉ मटेरियल जो है कच्चा पदार्थ कार्मण वर्गणा के परमा, उसके भी बनना पड़ता है, कार्बन वर्गना भी बनेगी, वो परमाणुओं के समूह में से बनेगी, वो आपका बनी हुई कार्बन वर्गना वो आत्मा प्रदेशों के साथ कैसे चिपकेगी तब कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कार्बन वर्गना अपने आप कर्म बन नहीं जाती है, बिना कार्बन वर्गना ग्रहण किए कोई भी आत्मा कर्म बांध ही नहीं सकता है। ये सारे जो है ना थंब रूल्स जो है प्रिंसिपल्स पहले ये सेट करते जाओ, ये विषय समझने के पीछे आपको ये ध्यान जरूर देना है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो परमानेंट प्रिंसिपल्स है उसका एक जो है अलग से आप जो है बुक बनाइए और उसमें सब इकट्ठे करिए। केवलियों के बताए हुए ये फिक्स प्रिंसिपल है विच इज नॉट चेंजेबल एट ऑल। अब हम आगे दूसरी क्लास के अंदर ये खोलेंगे रहस्य, चलो कार्बन वर्गना तो है, अब आत्मा ग्रहण क्यों करती है, क्यों कर्म बांधती है, कैसे कर्म बनता है। जैसे आपके घर में महिलाएं रसोई बनाती है तब जाकर के रोटी बनती है, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, फिर आटा कहाँ से कैसे बना, तो गेहूं में से बना, गेहूं कैसे बना था चलिए उसकी गहराई में जाइए। अब गेहूं बन गया, गेहूं का आटा बन गया, अब आटे की प्रक्रिया क्या है, करता भी तो चाहिए ना, अब उसकी प्रोसेस आप प्रक्रिया क्या करते हो कैसे करते हो तब जाकर के रोटी बनती है, नहीं तो नहीं बनती। अब वो रोटी तो बाहर बन गई, अब रोटी खाने के बाद हमारे शरीर में कैसे एनालिसिस होता है, क्या होता है, अब उसके परमाणु फिर जाकर के हमारे शरीर में बिखरेंगे, एनालिसिस होगा, अब उन परमाणुओं में कितने परसेंटेज कौन सा जो है प्रोटीन कैल्शियम कितना है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी का शरीर से विसर्जन हो जाएगा। ये सारी उसकी प्रक्रिया है, ये हमें समझनी है, बहुत ध्यान देना सर। और जिन लोगों ने पहले ही पदार्थ विज्ञान को अच्छी तरह से समझा है सीखा है उनको मेहनत कम पड़ेगी, और अभी जो नए हैं तो उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी कर्म का सिद्धांत समझ। मेहनत का मतलब ये थोड़ा सा विज्ञान कर्म का सिद्धांत है ये बात है, फिर वो आत्मा में एक बार आ जाए चिपक जाए कर्म का बनना प्रक्रिया हो जाए वो बाद में फिर जब विज्ञान बीच में नहीं आएगा तब सर बहुत सरल हो जाएगा सब। हाँ जी बोलिए जैन साहब क्या प्रश्न है। महाराज साहब आपने एक शब्द बोला है स्निग्ध स्पर्श और आपने चिकनाहट भी बोला है, तो वर्ण रस गंध स्पर्श जो है ये सारे जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं परमाणु हैं ये चिपक जाते हैं एक दूसरे में और वर्गना बना लेते हैं उस चिकनाहट से।
सारे ही नहीं, अच्छा आठ आठ प्रकार के स्पर्श में से जिसका स्निग्ध स्पर्श ज्यादा बड़ा हुआ होगा वही। ठीक है, बोलिए माता जी। हाँ साहब जी, मूल में तो सभी परमाणु एक जैसे है ना, द्रव्य स्वरूप में सभी परमाणु एक जैसे, गुण के कारण पर्यायों में परिवर्तन, क्योंकि एक वर्गना से दूसरे वर्गना में जाते हैं तो उनके गुण धर्म सब बदल जाते हैं, मूल तो उनका एक ही है कि एक वर्ण। जब आप पहले द्रव्य गुण का भेद क्यों नहीं कर रहे हो, द्रव्य स्वरूप में सभी परमाणु एक जैसे, अब आप आकार बोलोगे, प्रकार बोलोगे, प्रकार पर्याय बोलोगे, सब, लेकिन गुण बदलेंगे पर्याय बदलते जाएंगे। इधर मैं इसलिए बार बार भार दे रहा हूँ, स्निग्ध स्पर्श की मात्रा जिसकी बढ़ी हुई होगी, ऐसे परमाणुओं का एक समूह बनेगा, तब उसको कार्बन वर्गना की संज्ञा देंगे। इसके अपोजिट रुक्ष स्पर्श वाला आएगा, वो आत्मा ग्रहण करेगी लेकिन आत्मा के साथ चिपकेंगे नहीं, वो बिखर जाएंगे। अभी मैं वापिस पूरा फिजिक्स शुरू नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी कार्बन वर्गना के ऊपर आपको समझाना है। सो द गुण ऑफ द प्रदेश इज 20, व्हाइल इज द गुण ऑफ द परमाणु इज 5। The pradesh is also, if it is undividable, then it is parmanu, atom. Now whatever the gun, the virtues of the pradesh, that will convert, it will become in this atom also. Same thing, because pradesh and atom both are the one and the same thing, only divided and undivided, this is the difference between two. So which term has the 20 gun? Because one you said is 5, so the 20... Only the single atom has 1, 1, 1 and 2. But when it is compound in form of the molecule form, then it may be possible. But always all the 8 touches, the sparsha, it will be not in the one thing. Same way. Right. All the sparsha will not in the one thing. Different, divided. So in Parmanu and Pradesh, they both will have 5 gun. One Parmanu have only the one. Single atom has only the one color, one smell, one touch, and 2 touches, and that one rasa. Okay. Right. So which one has the 20 gun? Which one molecule have the 20? The so desh. Yes, not desh. Okay. Skanda. Okay, got it. Thank you. Namo Oriyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayriyanam, Namo Vajjayanam, Namo Lohe Sabva Sahunam, Esa Pancha Namukaru Sabva Bhava Panasamam, मंगलानं च सर्वे सिंबरवं हवै मंगलम् मंगलम् भगवान वीरो मंगलम् गौतम ब्रह्म मंगलम् स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली वंदतोदम्बो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोग उत्तम केवली पन्नतो दम्मो लोग उत्तम चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं दम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जयनं जयति शासनं। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।